दोस्तों फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द सीक्रेट। ये बुक रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है। द सीक्रेट बुक रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई प्रख्यात पुस्तक। द सीक्रेट पुस्तक में हमारे जीवन में घट रही रहस्यमयी घटनाओं का विवरण है। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं न चाहते हुए भी होती हैं, इसका रहस्य इस पुस्तक में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके दिल में ये महसूस हो रहा हो कि मेरे साथ कुछ अघटित होने वाला है, तभी कुछ ही दिनों में आपके साथ कुछ अघटित हो ही जाता है। आप अपने जीवन की एक ऐसी घटनाओं को याद करो जो आपके सोचने से ही हटी है। आपके जीवन में आपको ऐसी घटनाओं के ढेर सारे लिस्ट मिल जाएगी जो आपने सोचा हो और बनी हो। द सीक्रेट बुक में इसका सारा रहस्य बताया गया है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, ये सब फीलिंग के साथ होना चाहिए। अगर आप कोई बात के बारे में बहुत सीरियस है तो ये घटना आपके जीवन में अचूक होती ही है। आप कहेंगे कि भाई मैं अपने बारे में बुरा क्यों सोचूंगा, लेकिन आप जरा सोचिए कि पूरे दिन में आप अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं। हम हमेशा बुरे और नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को अपने अंदर सोचते ही रहते हैं, जबकि हमें अच्छे विचारों का मनन करना चाहिए। किसी ने मुझे आज दुख पहुंचाया, इसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, ना कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ उसके बारे में। जब आप लगातार नेगेटिव बातें सोचते हैं तब आपके जीवन में नेगेटिव बातें ही बनने लगती हैं। आकर्षण का नियम जीवन का रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीजें स्रोत तक यानी कि आप तक लौट कर आती है और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचार बदल कर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। हम शायद ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये रहस्य है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं, एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम याने के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। हम सभी एक ही शक्ति एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम है आकर्षण। द सीक्रेट समान चीजें समान चीजों को ही आकर्षित करती है। लेखक कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 99% धन कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये एक सिर्फ संयोग है, ये तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें खास चीज का ज्ञान है, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करो। द सीक्रेट पुस्तक में जो असराफ का कोटा है यही समस्या है कि ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती। लोगों को उनकी मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण ये है कि वे इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती। आप उन्हें प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अचेतन। यही मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में जो आपके विचारों में है। बहुत गौर से देखने पे आप पाएंगे कि रहस्य यानी हमारा दिमाग और इरादे की शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना भर है। द सीक्रेट, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, यह सटीक और अचूक है।
इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीजें भी शामिल है जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात को काट कर कहना चाहूंगा कि आपने उस चीज को आकर्षित किया। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए घटनाएं बार बार होती हैं। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उस व्यक्ति को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह अपने पूरे दिन और जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है और आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं, जब तक आप किसी चीज को अपना मूड बदलने की अनुमति न दे तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसे ही ज्यादा स्थितियों या लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। आप इस समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में ना हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदल कर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते आ रहे हैं। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ पल सोचें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते जितना आप चाहते हैं तो आप कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करें तो आप उन्हें प्रबल से ऊपर उठा सकते हैं। इसका एक तरीका आंखें बंद करके अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर एक मिनट तक मुस्कुराना है। अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और उसी जैसी ज्यादा चीजों को आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे आपकी ओर उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित होंगी जो आपको अच्छा महसूस कराएंगे और लगातार ज्यादा ऊपर पहुंचाएंगे। अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं। बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगे, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज के बारे में सोचे, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं और उसी पे ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रखें, उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज को दिमाग में आने ही ना दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीजें लाएंगे। कितना बढ़िया उपहार है। आप लोग को कैसी लगी ये ऑडियो बुक समरी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलेंगे हम इसके चैप्टर 2 में। तब तक लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।